एबीपीएस न्यूज। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलाइट स्थित चंगेरी गांव पड़ा। लगभग 4000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 9 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान अनवरी हैं, जिनके द्वारा गाँव में विकास कार्य बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इस गाँव में बात अगर शिक्षा की करें तो जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं के अंतर्गत लगभग 220 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हुए दिखाई दिए। वहीं गाँव में आने वाले सभी तरीके के लाभों को ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों को पूरी तरीके से मुहैया कराया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए बताया कि गांव में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराने के उद्देश्य से उनके द्वारा लगभग 100 बिजली के पोल व 4 बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि गांव में उनके द्वारा पानी की आपूर्ति दुरुस्त कराने के लिए 33 हैंडपंप भी लगवाए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार से 100 और हैंडपंपों की मांग है। जब एबीपीएस टीम ने ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की तो पाया कि गांव में उनके द्वारा सीसी सड़कों का निर्माण भी किया जा चुका है। वहीं लगभग 100 शौचालय भी बनवाकर ग्रामीणों को व पात्रों को आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 10 सोलर लाइटें भी लगवाई जा चुकी हैं, जिससे गांव में रोशनी कम ना हो जाए। वहीं एबीपीएस टीम से बात करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में कब्रिस्तान की दीवार, पंचायत भवन, खाद स्टोर, नाला आदि का निर्माण करवाया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी तरीके की परेशानी से ना जूझना पड़े। वहीं ग्रामीणों ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि वर्तमान प्रधान अपना कार्य तो बेहतर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन फंड न आने की वजह से गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था बेहद ही खराब पड़ी है। निवासी मैंने जो अब तक कार्य कराए हैं गाँव में, सड़कें बनवाई हैं, सीसी टैप वगैरह तो सोचा के बनवाए हैं, स्कूल की बाउंड्री वगैरह सब कराई है, तालाब बनवाए हैं और जितना भी है वो सारे कार्य में जुटे हुए हैं। भाई ये देखियो, मेरा नाम महमूद है और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव का विकास बढ़िया से बढ़िया विकास होना चाहिए, जिसमें एक नहर एक नाला पश्चिम साइड पर है और पश्चिम साइड के होते हुए वो इतनी गंदगी रहती है, इतनी सड़न पैदा होती है कि उसमें बच्चों का गिरने का हालत खराब होने की रहती है और उसकी कोई देखभाल नहीं करी जा रही है। और कह की पुलिया तो रोड चला है जिसकी आज तक सुनवाई नहीं, कांग्रेस के अंदर सुनवाई नहीं, बीजेपी में सरकार के अंदर कोई सुनवाई नहीं। ये तो देखिए आप, ये यानी इस हिंदुस्तान के कोने पर कौन से गांव कौन सा एरिया ऐसे है जिसमें सवारी नहीं, ये सवारी से पूरा एरिया फिटा हुआ है। हम जो चाहते हैं तो कैच की पुलिया पैसे रोड, हम चाहते हैं कि हाईवे से मिल जाना चाहिए, क्योंकि सारे जितने भी एरिया के गांव हैं बहुत परेशान है, रिश्तेदार परेशान और आने जाने वाले परेशान, जो कि कोई सुविधा नहीं है, सरकार सुनती ही नहीं, इन बातों को सुनना चाहती ही नहीं।